हाँ भाई जवान, तगड़ा है। सर जी फिक्र ना करें, तगड़े हैं। पीछे नहीं पाएंगे आप हमें, जहां आप होंगे वहां हम होंगे। These were my words to Captain Sher Khan when I first met him, where we both were visiting for taking supplies. Sher Khan मेरे सीनियर थे और बहुत ही दलेर और बहादुर इंसान। इतने बहादुर कि कभी हम भी परेशान हो जाते थे कि हमें ये कहाँ भेज देंगे, लेकिन हमेशा हमसे आगे वो खड़े होते थे। एंड ही वुड नोटिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ही वॉज वेरी सेंसिटिव, छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे ले लेते थे। मुझे याद है टाइगर हिल से नीचे 800 मीटर नीचे जब इंडियंस ऊपर एक बेस इन्होंने एमिनेशन डंप की हुई थी, वहाँ एक फौजी बार बार बहुत सारे नारे लगाता था। कैप्टन शेर को बहुत ज़्यादा तप चढ़ती थी और वो मुझे कहते थे कि यार इसको मैंने गोली से नहीं मारना, इसका मैं गला दबा के इसकी गर्दन तोड़ के इसको मारूंगा। अल्लाह ताला का करम है, उनकी ये ख्वाहिश मैंने पूरी की और बिल्कुल वैसे ही किया जैसे वो चाहते थे, और उस मुर्दार को नीचे से ऊपर उठा के लेके आया उनकी बेस तक और वहाँ ला के उनके सामने फेंका। कैप्टन शेर खान के पास 4 पोस्ट थी टाइगर हिल के ऊपर, 2 टॉप के ऊपर और 2 जो थी वो 400 मीटर नीचे हमने लिसनिंग पोस्ट बनाई हुई थी। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि जब इंडियंस टाइगर हिल के ऊपर आना चाह रहे थे तो वो लिसनिंग पोस्ट के ऊपर उन्होंने अटैक किया और हमारे बहुत थोड़े से बंदे थे वहाँ, और वहाँ उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया। तकरीबन 60 से ज़्यादा बंदे वो लेके आए। कैप्टन शेर खान इसके ऊपर शदीद गुस्से में थे। मुझे मैसेज मिला कि बुला रहे हैं। मैं किसी और पोस्ट पे था, वहाँ से मैं जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचा उनके पास टाइगर हिल पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार अभी के अभी हमें नीचे जाना है और ये पोस्टें हमें छुड़ानी है। मैंने उनसे बोला सर छोड़ें, नीचे लिसनिंग पोस्ट हैं, क्या फ़ायदा इनका। उन्होंने कहा नहीं, अभी के अभी जाना है, चल रहे हो। हम 7 लोग वहाँ पहुँचे। हमें ज़्यादा देर नहीं लगी, तकरीबन 2 घंटे की शदीद लड़ाई के बाद हमने वो दोनों पोस्टें वापस छुड़ा ली और तकरीबन 40 से ज़्यादा इंडियन फौजी वहाँ मुर्दार किए, बाकी गिरते पड़ते वहाँ से जख्मी हालत में भाग गए। When something comes in his mind, he does it. बहुत ही माशाल्लाह दलेर इंसान, डरते बिल्कुल भी नहीं कि क्या होगा, बस कर गुजरते थे। मेरी उनसे काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें होती रहीं डिफरेंट जगहों के ऊपर। जब भी उनको कोई सप्लाई का कोई इशू आता था, एमिनेशन फूड स्टॉक, तो उनको पता था कि ये जिन ही कर सकता है पूरी। मुझे बुलाते थे और मुझे कहते थे कि ये चीज़ लेके आ, और मैं लेके आता था। आई टू आई कॉन्टैक्ट ही यूज टू से, हाँ भाई जवान तगड़ा है, चलेगा। और मैं कहता था कि सर जहाँ आप जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। एक दिन उन्होंने मुझे सप्लायर्स लेने पीछे भेजा। मैंने जाने से पहले उनसे वादा लिया, मैं कहा सर आप हिलेंगे नहीं यहाँ से, आप कहीं नहीं जाएंगे जब तक मैं नहीं आता। लेकिन शेर खान को कौन रोक सकता था, उन्होंने मेरा इंतज़ार नहीं किया। ही वेंट अलोन, ही फॉट गैलेंटली। एक वक्त आया कि उनकी सारी गोलियां ख़त्म होगी और इंडियंस ने 86 रेजिमेंट के यूनिट ने उनको सराउंड कर लिया। इंडियंस को पता तो था कि ये शेर खान है, तो वो उनकी कोशिश ये थी लाइक दे वॉन्टेड टू कैप्चर हिम अलाइव। 20 से 25 लोगों ने उनके ऊपर हमला किया जब उनके बुलेट्स ख़त्म हो गए। उन 20 में से भी 4 लोगों की गर्दन तोड़ के शेर खान ने उनको जहन्नुम वासिल किया। और जब इंडियंस ने देखा कि ये तो काबू नहीं आता, तो उन्होंने मैसिव मशीन गन फायर और कैप्टन शेर खान शहादत के मर्तबे पे अकेले फारिग हो गए। आई स्टिल रिग्रेट दैट डे कि मैं उनको छोड़ के क्यों गया, लेकिन ऑर्डर के आगे क्या करता है। जब हम वापस पोस्ट पे पहुंचे तो वी रश्ड टू द प्लेस वेयर ही गॉट मार्टर्ड, और वहाँ 15 से 20 लोग मौजूद थे। हमने उनके ऊपर अपना गुस्सा अच्छे तरीके से निकाला, लेकिन वो बॉडी मूव कर चुके थे शेर खान की बेस कैंप में। जब हमने और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ली तो हमें पता चला कि वो बेस कैंप में भी नहीं है। वल्लाह अल्लाह गवाह है, अगर तो ये बॉडी बेस कैंप में भी होती तो हम वहाँ भी जाके वापस लेके आते। अगले 3 दिन तक इंडियंस अपनी बेस से नहीं निकले और वो दिल्ली फ़ोन कर करके बताते रहे कि शेर खान इज नो मोर, लेकिन उनको यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि जो डर शेर खान उनके दिल में डाल चुका था
वो डर अब कभी भी नहीं निकलेगा। हमारा शेर खान जिंदा है, हमारे सारे शहीद जिंदा हैं।